हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस क्लास 8 की वीडियोस में कहा था कि आप लोगों को क्लास 9th का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो हाँ हम यहाँ पे आ चुके हैं क्लास 9th का भी सोल्यूशंस लेकर मैथ का। और यहाँ आपको सोल्यूशन बहुत इजी वे में मिलेंगे और सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान तरीके से होगा, जो ऐसा होगा जो आप एग्जाम में स्टक ना करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 8 के वीडियोस को सपोर्ट किया है, हमें पसंद किया है, होप और इसी आशा के साथ मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि आप लोग हमें यहाँ भी सपोर्ट करेंगे। तो अगर क्लास 8 के बच्चे भी देख रहे हो तो प्लीज आप अपने एल्डर्स को बताइए कि एक चैनल है डब्ल्यू बी फ्री मैथ, जहाँ पे क्लास 9th और क्लास 8 का मैथ का सोल्यूशन इजी वे में बताया जाता है। ओके, तो होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को बस एक ही काम करना है, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले कि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोज। मैंने चैप्टर 8 से स्टार्ट करने के लिए सोचा है, तो दैट इज फैक्टराइजेशन, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड। इसका इंट्रोडक्शन और कुछ सॉल्यूशन मैं बताऊंगी। इसके पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला लर्न करना है। ये चार फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चैप्टर में बहुत ही यूज होगा, इसलिए ये फॉर्मूलाज आपको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है बट इसमें कम यूज होगा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ नंबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी लर्न नहीं होता बट ये लर्न हो जाएगा तो सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसको लर्न भी कर लोगे। तो चलो अब हम करते हैं क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 फैक्टराइजेशन गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। मतलब कि एक बहुपदी राशि का हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड, वैसे आप लोग को पहले से आइडिया है कि गुणनखंड होता क्या है, फैक्टर्स होता क्या है, बट आपने फैक्टर सीखा है ऐसा जिसका पावर 2 हो। ठीक है, एक्स का पावर जहां पे 2 होता है उसका आप फैक्टर सीख चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, मतलब कि क्लास 8 में। क्लास 9 के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, मतलब कि आप लोग को ये जिसका पावर 3 है उसका सीखना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं जीरो मेथड, जीरो मेथड। ठीक है, ये मेथड आपको सीखना है जिसकी हेल्प से ये सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। तो जीरो मेथड के लिए क्या करेंगे, ऐसा टर्म यहाँ डालेंगे कि उसको एड एड या सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू जीरो आए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1 को लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि लेट, ऐसे रफ में करते हैं, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 मान लिए, मन में आप लोग को करना है ये, मैं आप लोग को अभी करके दिखाती हूँ, बट नेक्स्ट जो ये होगा क्वेश्चंस होगा उसमें मैं आप इतना करके नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब माइनस में एक्स का वैल्यू पुट करना है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। अब यहाँ देखो, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2। अब 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। दैट इज एक्स का वैल्यू 0, ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, बहुपद राशि है, इसका वैल्यू 0 आ गया, क्या लेने पे, एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया था, इसको इधर लाएंगे, मतलब इक्वल इक्वल साइन के इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 कैसे आया, एक्स माइनस 1 से, यही एक्स माइनस 1 हमारा फैक्टर हुआ, पहला फैक्टर यही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है पावर में, तो इस एक्स माइनस 1 को 3 बार लिखना है, ये ट्रिक है, इसको 3 बार लिखना है, कैसे, एक जगह आप छोड़ दो, एक जगह हमने छोड़ दिया, दूसरी जगह पे हमें क्या करना है, एक्स माइनस 1 3 बार लिखना है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 3 टाइम्स। ओके, वी हैव टू राइट दिस 3 टाइम्स, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, अगर पावर 4 होता तो 4 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स हमने लिख दिया,
अब यहाँ देखना है क्या कि हमें लाना है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब लाने के लिए हमें इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स कितना होता है, एक्स क्यूब। अब ये तो ये एक्स्ट्रा है, इसे भी तो करना होगा, इसको तो छोड़ नहीं सकते। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इस एक्स स्क्वायर में यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको, ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, हटाना है। इसके लिए इस एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से, माइनस भी देख सॉरी प्लस एक्स से। क्यों, क्योंकि हम माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या लाना है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब ये एक्स को इससे जो एक्स्ट्रा है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, माइनस एक्स, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब क्या लाना है हमें, 3x लाना है। यहाँ माइनस एक्स तो पहले से आ गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या लाना है, माइनस 2x लाना है ऐड करने के लिए। तो माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2x, और ये माइनस माइनस ऐड होके आ गया कितना, माइनस 3x। मतलब अल्टीमेटली हमें लाना यही है, ओके, नीचे से ऊपर जाना है हमें, ओके। तो ये 2x हो गया, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2। देखो प्लस 2 भी आ गया। इसका मतलब क्या है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों ऐड होकर -3x आ गया, और ये +2, ठीक है। अब ये इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, x-1 x-1 x-1, एक्स माइनस तीनों को एक साथ कॉमन ले लेंगे, x-1, ठीक है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ चेक करेंगे कि इसका क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, इसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ सकते हैं तो इसका फैक्टर करना है, अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो नहीं करना है, ठीक है। तो शायद देखो, टू जैसे नॉर्मली आपने मिडिल टर्म फैक्टर सीखा होगा, इसमें क्या करते हैं, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब करके देखते हैं कि इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको किस तरह करना है, 2x स्क्वायर प्लस x लाना है, मतलब कि ऐड कर माइनस करके हमें 1 लाना है, और मल्टीप्लाई करके हमें 2 लाना है, तो 2 माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x माइनस x, x आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर भी आया है, जो कि इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे आया था। तो इसका मतलब हम सही बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने सीखा होगा पहले से, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से x कॉमन जाएगा ये दोनों में से, तो x प्लस 2 हो गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, तो माइनस 1 निकालेंगे, तो x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, x माइनस 1, ये x प्लस 2 कॉमन, ठीक है, x प्लस 2, और ये क्या हो गया, x माइनस 1 एक साथ, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये दो बार आ गया, जिसको इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 2, बस यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। होप कि आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा, इसे जीरो मेथड कहते हैं। ये रफ था हमारा, ये रफ पार्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करने पे। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं, मान लिया एक्स इज इक्वल टू 1 है, 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 2 मल्टीप्लाई 2 3, ये कहीं भी किसी से कटेगा नहीं, जीरो तो आएगा ही नहीं। तो हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, क्या लिखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या आता है, पॉलिनोमियल माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। कितना आता है देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ साइड में मैं कर लेती हूँ, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, ठीक है, और 2 माइनस 1 माइनस 2, और ये प्लस 3, देखो माइनस माइनस 3 प्लस 3 आ गया, माइनस 3 प्लस 3, आंसर क्या हो गया, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पे 0 हो गया। तो हमें फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर क्या मिला, x प्लस 1, क्यों, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ था, तो फैक्टर क्या मिला, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, ये फैक्टर हो गया x प्लस 1। अब इसी फैक्टर का यूज करेंगे यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3 ये था, जैसे कि मैंने बताया आपको जगह छोड़ छोड़ के क्या लिखना है, x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, ओके। अब यहाँ हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से, सिंपली
एक्स क्यूब आ गया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा है, इसको कट करने के लिए हमें माइनस एक्स चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स है और यहाँ पे टू एक्स है, प्लस टू एक्स है, तो हमें ऐसा टर्म से माइनस करना होगा जैसे कि टू आ जाए, तो थ्री में से वन गया कितना होता है, टू होता है, तो प्लस थ्री ले लेंगे यहाँ पे, प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस टू एक्स। ठीक है, और इस थ्री को वन से करेंगे तो प्लस थ्री, ठीक है, प्लस थ्री हो गया, 3x+3। अब ये आपका पूरा टोटल कंप्लीट हो गया, प्लस थ्री भी आ गया यहाँ पे, 2x भी आ गया, और ये माइनस हो गया, और ये x³। अब ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों क्या हो गया, कॉमन, x+1 कॉमन हो गया, बचा जो वो लिख देंगे x² - x+3। अब इसको चेक करेंगे कि इसका फैक्टर फिर से निकलेगा कि नहीं, अगर इसका फैक्टर निकलेगा तो निकालेंगे, और नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। देख लेते हैं चेक करके कैसे, थ्री से कैसे करेंगे कि ये वन भी आ जाए और थ्री भी आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन करके, तो शायद नहीं होगा, आप करके देख लेना, ये नहीं होगा, बस यही आंसर हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया, अब थर्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, a³ - 12a - 16। यहाँ पे क्या पुट करना है, वही पुट करके देखते हैं, वन वन करेंगे तो वन ट्वेल्व नहीं हो रहा है, माइनस वन भी करने से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 16 इतना बड़ा डिजिट है, अगर 12 में प्लस वन माइनस वन करेंगे तो भी ये कभी कटेगा नहीं। तो हम चले अब करते हैं टू पुट, वन का तो हमने देख लिया, वन माइनस वन, अब टू पुट करके देखते हैं। तो टू करके अगर रफ में देखते हैं तो टू का क्यूब होता है 8। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई टू कितना हो गया, 24, और ये -16, -16 - 24 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये कभी कट के जीरो नहीं आएगा। चलो अब -2 पुट करके देखते हैं, -2 करते हैं तो 2 8 हो गया, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20 24 2 12 2 24 हो गया, -16, देखो ये, और यहाँ सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, ये तो माइनस होगा, अभी -16 - 8 -24 होता है, 24 - 24 जीरो आ गया, जीरो। इसका मतलब हमें क्या पुट करना था, a = -1, क्या लिखेंगे, पुटिंग पुटिंग a = -2, देन वी गेट पुटिंग a = -2, पुट करके दिखा देते हैं, a³ - 12a - 16, दैट इज -2 का क्यूब, -12 * -2 - 16। ठीक है, ये जो काम हमने यहाँ किया वो यहाँ करना है, is equals to -8 - +24 - 16 is equals to 0। ठीक है, दैट इज द फैक्टर, क्या मिला हमें, फैक्टर इज इक्वल्स टू a+2, ये उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, a+2 फैक्टर मिल गया। अब हमें बस फॉर्मूला ये बनाना है जैसे कि हम सीखते आ रहे हैं, यहाँ पे दो इक्वल्स का साइन, यहाँ तीन बार हमें क्या लिखना है, a+2 a+2 एंड a+2। ठीक है, ओके, अब हमें चाहिए a³, तो हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे, a³ आ गया, a² को 2 से तो करेंगे 2a², अभी एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के लिए हमें -2a से गुना करना, मल्टीप्लाई करना होगा 2a से, क्योंकि यहाँ पहले से a है, -2a² आ गया। ठीक है, अब ये -2a + 2 से -4a, ठीक है, -4a आया, हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8a आ गया, 12a आ गया, अब हमें लाना 16, वो भी आ गया, 8 मल्टीप्लाई -2 + 2 - 8, तो ये हो गया -16। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, यहाँ तक कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या आया, a+2, और जो बचा वो लिख देंगे, क्या है, a² - 2a - 8। अब यहाँ चेक करके देखना है कि इसका फैक्टर फिर से निकलेगा कि नहीं, a² - 2a - 8 का, तो 8 के टेबल में क्या करेंगे, देखो 2 लाना है हमें बीच में माइनस करके, 8 - 6 नहीं होगा, 2 लाना है ना, तो 4 - 2, 4 - 2 2 भी होता है, और 4 * 2 8 भी होता है, तो इसका फैक्टर निकल जाएगा। इसको मैं साइड में कर देती हूँ, a² - 2a, आप यहाँ भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, a² - 4a + 2a है ना, 4 - 2 2 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे 8 भी आता है, 4 * 2 = 8 - 8, a - 4 + 2 a - 4। ठीक है, क्या आया, a - 4 कॉमन a+2। ठीक है, तो हमें यहाँ सिंपली लिख देना है a+2, यहाँ a+2 फिर से आया है। ठीक है,
और आया क्या ए माइनस एट, सॉरी ए प्लस टू, ए माइनस फोर, सॉरी ए माइनस फोर। तो आंसर क्या हो गया, इस दो बार है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, ए प्लस टू का स्क्वायर ए माइनस फोर, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया थर्ड नंबर। ओके तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इतना तक, और यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। जीरो मेथड को बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपकी कोई एल्डर्स है तो उसे भी प्लीज़ शेयर करना। ओके तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।